दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज क्लिक मामले पर सुनवाई है। न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रवीर प्रसकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई। जस्टिस तुषार राव गोडले की अदालत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सिब्बल ने रिमांड ऑर्डर पर सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा, गिरफ्तारी अवैध तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करते हुए की गई है। हालांकि सिब्बल की दलीलों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में काफी कुछ अभी सामने नहीं आया है। एसजी ने सोमवार की तारीख मांगी, जिस पर अदालत राजी हो गई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी सवाल जवाब किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरस्कार और चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने न्यूज क्लिक के दिल्ली संस्थान ऑफिस को सील कर दिया है। पोर्टल पर चीन से समर्थन लेने का आरोप लगाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।